कैल्शियम फास्फेट और उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दो चीज होते हैं, कैल्शियम फास्फेट और उसी का कठोर रूप कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो दांत जो बनावट के हिसाब से दिखेगा तो इसके दो लेयर होते हैं, अंदर का लेयर होता है और एक बाहर का लेयर होता है। अंदर का लेयर जो होता है, दांतों के अंदर का लेयर, ये कमजोर होता है। दांतों के अंदर का लेयर क्या होता है? कमजोर होता है। जबकि वही दांत के बाहर का लेयर जो पतला सा होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत हार्ड होता है। तो देखिए, सबसे मजबूत हड्डी कहेंगे तो जबड़ा, लेकिन अगर हड्डी उड्डी हटा दिया और कहा कि शरीर का सबसे कठोर भाग, देखिए मजबूत अलग है कठोर अलग है, समझ आगे कि नहीं? तो दांतों का बाहरी भाग, इसे हम इनामेल कहते हैं। क्या कहेंगे? इनामेल। तो दांतों का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इनामेल। इनामेल ये सबसे कठोर भाग है। और अंदर का भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। डेंटाइन क्या कहलाएगा? डेंटाइन क्या कहलाएगा? तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट का। और कैल्शियम फास्फेट जब बहुत हार्ड होकर क्रिस्टलीय रूप ले लेता है तो कैल्शियम एपेटाइट बन जाता है। तो इनामेल किसका होता है? कैल्शियम एपेटाइट। लेकिन कैल्शियम एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का ये क्या है? रूप है। तो बताइए, दांतों का यह बाहरी भाग क्या कहलाता है? हाँ, इनामेल। क्या कहलाएगा? इनामेल कहलाएगा। दांतों का बाहरी भाग इनामेल कहलाता है। इनामेल जो होता है बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है। और ये एक तरह का समझिए कि जब दीवार आप बनाते हैं तो उसके ऊपर टाइल्स लगा देते हैं ना, टाइल्स जो काम करता है उसको गंदा होने से बचाता है। अगर आपके दांत का इनामेल चला गया, क्या चला गया? इनामेल, तो बच गया क्या? डेंटाइन। और डेंटाइन को गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दांतों में जो कैविटी पाई जाती है, जिसको लोग खोड़ला कहते हैं, तो खोड़ला बनने से पहले जो कैविटी बनती है, उससे बनने से पहले सबसे पहले क्या हटता है? इनामेल। इनामेल गया तो डेंटाइन जाने में टाइम नहीं लगेगा। डेंटाइन को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लोरीन करता है। कौन करता है? कौन करेगा? फ्लोरीन। दांतों को सर्वाधिक नुकसान फ्लोरीन। कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। दांतों का क्षरण किस गैस के कारण? किसके कारण? फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन होता है, समझ में आ गया? फ्लोरीन गैस, जिसमें फ्लोरीन की मात्रा रहेगी वो दांतों को क्या कर देगी? नुकसान पहुंचा देगी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। समझ में आई गया आप लोगों को? दांत जो होते हैं वो किसी चीज को खींचने उचने के काम में आते हैं। पाचन हाथ से चालू होता है, हाथ से बस हम उसे छोटा करते हैं। बचपन में देखे होंगे ना, ऐसे रोटी में, ऐसे गोली रोटी होगा, इसमें चीनी गोलिया दी, आदमी खाते रह गया, डायरेक्ट मुंह में खा लेता था, घूमते रहिए आप, नीचे आदमी हाथ लगाते चीनियां गिर जाता था। अलग नमक रोटी चीनी वहां पे। और सीबीएसई वाला सबका तो ऐसा नहीं होता, उन सबका बहुत मान जान होता है। हाँ बाप रे, सीबीएसई वाले कहते नमक और तेल, नमक के साथ तेल लगाना पड़ता, पहले रोटी पे तेल। ये भगवान, मेरे बच्चे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा कमजोर हो भाई गो, ओ माय गॉड। अब बोलिए ना, तनी उन लोगों को आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिए, दांत जो होते हैं जीवन में, जो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं, हम लोग के पास कितने दांत हैं? 32 दांत होता है। ये 32 दांत में कुछ ऐसे दांत हैं जो दोबारा भी निकल जाते हैं, अब कुछ ऐसे दांत हैं ना दोबारा नहीं निकलते। 32 दांतों में जो दोबारा निकलते हैं दो बार, और कुछ ऐसे दांत हैं जो एक बार निकलता है। तो केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में एक को कहते हैं मोनो, दो को कहेंगे डाई। तो मोनोफियोडोंट जो एक बार निकलता है, डाइफियोडोंट जो दो बार निकलता है। मोनोफियोडोंट कितनी बार? डाइफियोडोंट। मोनोफियोडोंट डाइफियोडोंट। तो जो दो बार निकलते हैं दोबारा निकलते हैं, कितना निकलते हैं? दोबारा निकलने वालों की संख्या 20, और एक बार निकलने वाले की संख्या, एक बार निकलने वाला 32 दांत। तो ऐसे ही समझिए, टोटल दांत कितने? इस 32 में से ना 20 को रहेगा जो दोबारा निकल जाएगा। तो टोटल दांत कितना? 32। बताइए टोटल दांत 32 होता है।
इन्हीं 32 में से ना कुछ टूट के क्या निकलेगा, दोबारा कितना टूट के निकला है दो, अरे वही 32 में से ना 32 को है वहीं से अगवा का क्या हो जाएगा, 20 को टूट जाएगा फिर निकल जाएगा, तो 20 को कहेगा पूरे जीवन काल में कितना दान, तो ये हो जाएगा किसमें, जीवन काल, जीवन काल पूरे जीवन काल में दांत निकल जाओ, तो कितने दांत टूटते हम लोग के, कितने दांत, 20। बचपन में आप लोग का भी टूटा होगा, उसको आदमी बो देता था जमीन में, तो जमीन में आप बो देते हो, आप कहते थे लोग कि अगर ये निकल अच्छा से बो निकलेगा तो ये दांत क्या होगा निकलेगा, कोई फर्क पड़ता है उसे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।